जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नेहा सिंह और टॉपस नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती निकल के आई है। एक नहीं, एक्चुअली दो भर्ती निकल के आई है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा दो भर्तियों की घोषणा की गई है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया है जिसमें उन्होंने दो भर्तियों की, दो वैकेंसियों की घोषणा करी है, जिसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे हम इसमें बात करेंगे इसके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है अभियांत्रिकी एमई में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर विज्ञान सीएस, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार अभियांत्रिकी ईसीई, विद्युत अभियांत्रिकी ईई, विद्युत एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एमटेक मांगा है, आपका एमटेक होना जरूरी है इसमें। ये जो भी फील्ड बताए गए हैं जैसे कि एमई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, ईई, इन सब फील्ड्स में अगर आप एमटेक हैं और तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। या फिर आप कंप्यूटर विज्ञान सीएस या आईटी में या एमएससी हैं, या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमसीए हैं, तो इस क्वालिफिकेशन के साथ भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही स्नातकोत्तर होना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और इसमें क्वालिफिकेशन जोड़ी गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि आपको न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। ये जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो पोस्ट है उसके लिए आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की, जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन और पीजीडीसीए, ग्रेजुएशन एंड पीजीडीसीए, जो कि उस आपका कम से कम 1 साल का होना जरूरी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप बीटेक है बीई में, या फिर कंप्यूटर विज्ञान में, या सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में, विद्युत अभियांत्रिकी में, विद्युत एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभियांत्रिकी में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड नियंत्रण में, दूरसंचार और इंस्ट्रूमेंटेशन में, प्रौद्योगिकी में अगर आप बीटेक हैं, या फिर आप कंप्यूटर साइंस में और सूचना प्रौद्योगिकी में बीएससी हैं, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए है, तो भी आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में, इसके पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपका जो पेपर होगा, जो पूरा एग्जाम होगा, वो आपका 200 नंबर का होगा। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा, तो आप इसको कह सकते हैं 200 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा। 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच। टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा हर एग्जाम के लिए। एमसीक्यू टाइप के आपके एग्जाम होंगे। ये देखिए, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, 2 घंटे आपको एग्जाम टाइम दिया जाएगा एक पेपर के लिए। 100 ही आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट होंगे राजस्थान की जीके। फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में राजस्थान की जीके इंक्लूड होगी, जिसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राजस्थान की करंट, वो सारा आएगा। सेकंड, इसमें सामान्य जनरल नॉलेज के और कौन कौन से टॉपिक शामिल हो सकते हैं वो है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल इंटेलिजेंसी जिसको हम रीजनिंग पावर बोलते हैं, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इत्यादि। ये सारा सिलेबस आपका 10th लेवल तक का ही आएगा। दूसरा, इसमें और क्या आ सकता है फर्स्ट पेपर में, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशियंसी एक्सेट्रा, ये सब भी आपके 10th लेवल तक का ही आएगा। उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, ये आपको साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, तो उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बात करते हैं सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर में क्या आएगा। सेकंड पेपर अगेन आपका 100 नंबर का होगा, इसका टाइम भी आपको 2 घंटे होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसके लिए आपको कौन कौन सब्जेक्ट है, पेडागोजी होगा, सेकंड आपकी रीजनिंग होगा, मेंटल एबिलिटी होगा, देन आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ऐड होंगे इसमें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यूजिंग C++ एंड जावा, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, ये आपको इसमें आनी चाहिए। देन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इसमें शामिल होगा, एल्गोरिथम भी एक सब्जेक्ट है, वो भी इसमें आएगा। डिजिटल लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडलिंग इंजीनियरिंग, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें आएंगे। इसके साथ साथ और आपका क्या आएगा सेकंड पेपर में, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आपके सेकंड पेपर के हैं। ओके, यहाँ तक हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं।
तो ये आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती जो वैकेंसी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह की और न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े जुड़े रहिए, जिसका नाम है टॉपर्स नोट्स।